नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं सब जेड न्यूज इंडिया। दीपावली के 6 दिन बाद कार्तिक मास की छठी तिथि को छठ का त्योहार मनाया जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि गंगा किनारे हो या फिर हरिद्वार गंगा हो, लोग नहान काय शुरू कर देते हैं और ये दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जाता है। लेकिन इसी छठ पर्व को लेकर दिल्ली के यमुना से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फिर बताते हैं आपको कि क्या है पूरा माजरा। राजधानी दिल्ली में भी छठ का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के 6 घंटों में से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ की यमुना में जहरीला झाग या गाद इकट्ठा हो गया है और इसी बीच श्रद्धालुओं ने स्नान किया। हालांकि कोरोना के चलते दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी में जहरीली झाग तैर रहा है और इसी झाग के बीच श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह श्रद्धालु बड़े खुशी खुशी स्नान कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें इस बात की जानकारी भी है या नहीं कि यह झाग जो है वो जहरीली हो सकती है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और दिवाली के बाद हुई आतिशबाजी के कारण राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई। यमुना नदी में अमोनिया का लेवल बढ़ गया है, इस वजह से यहां झाग बन गया। अमोनिया लेवल बढ़ने से पानी की सप्लाई भी बाधित हो रही है। यमुना में झाग के बीच स्नान करने की तस्वीरें सामने आने के बाद सियासत भी तेज हो गई है।